आगे एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है, मान लिया एम मास का पार्टिकल है, ये एम मास का पार्टिकल है, और ये मान लिया इस तरफ मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ये कुछ इस तरफ मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी मान लिया वो दी आपको वी। और इस पार्टिकल का मान लिया किसी पॉइंट ओ के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है आपको किसी पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है। तो वो कैसे डिफाइन किया गया, तो वो डिफाइन किया गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एल अबाउट पॉइंट ओ, तो वो होता है आपका आर क्रॉस पी। क्या होता है, आर क्रॉस पी। पी क्या होगा, पी तो आपका लीनियर मोमेंटम होगा, तो पी होगा एम एम इंटू वी, और ये वेक्टर आर क्या है, ठीक है। ये जो वेक्टर आर है वो है आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट मास का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हो। ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा वेक्टर आर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर आर क्या है, तो वेक्टर आर है उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और पी क्या है, पी है उस पार्टिकल का आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको अगर आगे एक्सपेंड करें, मैग्नीट्यूड लिखें, तो आर क्रॉस पी को लिख सकते हैं हम आर पी साइन थीटा, ठीक है। और पी को एम वी लिख सकते हैं, तो ये आएगा एम वी आर साइन थीटा। तो ये थीटा किस किसके बीच में एंगल है, तो ये जो थीटा एंगल है वो है वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच में एंगल है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है वेक्टर आर की, ये डायरेक्शन है वेक्टर पी की, जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ मोमेंटम होता है, तो इनके बीच में ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, क्लियर। तो अब जरा देखो ये आर साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मोमेंटम की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको पीछे आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो मोमेंटम है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो लाइन है उसको हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये वेलोसिटी की लाइन है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से आप ओ पॉइंट से उस वेलोसिटी की लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ढंग से देखना, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका थीटा, और ये लेंथ कितनी है आर, तो ये डेफिनेटली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनता है मैग्नीट्यूड का, वो ये भी हो सकता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू वेलोसिटी, और इंटू क्या, किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है ऐसे, और ये मान लिया उसका सेंटर है, और ये ऑब्जेक्ट है, मान लिया एम मास का ऑब्जेक्ट है, और वी स्पीड से घूम रहा है ऐसे, ये वी स्पीड है इसकी, और ये रेडियस कितनी है आर, तो उसका इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन है, और इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे आप, तो वही किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। तो वो फॉर्मूला याद रखना है आपने, एम वी आर, अगर एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से आर की रेडियस में घूमता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम वी आर, क्लियर, ठीक है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर मान लिया उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो वी की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे, तो आर आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ओमेगा, और एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक और फॉर्मूला ये बन गया आई ओमेगा। तो दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं एंगुलर मोमेंटम के, एक एम वी आर या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना आई ओमेगा, ठीक है। ये कब यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ करेंगे, जब पॉइंट मास होगा तो ये यूज़ करेंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क, रिंग, कुछ इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई ओमेगा। जब मोर देन, जब कुछ आपका कंक्रीट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये आई आई ओमेगा, और अगर पॉइंट मासेज हैं तो ये एम वी आर, क्लियर। साथ में डायरेक्शन की भी बात करते हैं, क्योंकि सिंस एंगुलर मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक तो तरीका ये है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालो, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन निकालो, वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंट फाइंड कर रहे हो, उस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, फिर आप देखो कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, आपको ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसे दिखता है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूमता हुआ दिखता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जाएगा,
ठीक है, तो आपको अपनी आई का जो डायरेक्शन है, आई साइट है, वो कैसे रोटेट करनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी यहाँ होगा ऑब्जेक्ट तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचेगा तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो आपकी जो आई साइट है, आई का मूवमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या करना है आपने। आप जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हो वहाँ जाके खड़े हो जाओ, फिर अपने आई का मूवमेंट देखो, आई का मूवमेंट किस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना पड़ेगा, अपनी आईज़ को किस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपनी आईज़ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है तो उसको अपनी आईज़ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ हो जाएगा आपका, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज होता तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ हो जाता, इन्वर्स डायरेक्शन में। सेम केस यहाँ, ये जो इक्वेशन है एल नॉट इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये वैक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर रिलेशन ये बनता है, यानी जो डायरेक्शन ओमेगा की है वही डायरेक्शन क्या होगी, एल नॉट की। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन इन्वर्स हो जाएगी, तो एल की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्स। अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स होगी और एल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स। क्लियर। एक और पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स लगता है किसी भी सिस्टम पर, एक्सटर्नल फोर्स, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर, डी पी बाई डी टी। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी जीरो होगा, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कुछ ऐसे ही था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता था कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वो टाइम के साथ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा वही फाइनल होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे है, तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डी एल बाई डी टी। फोर्स था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और अगर किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो उसका लीनियर सॉरी उसका एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। क्लियर, तो जो इनिशियल लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होगा वही आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अगर किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, टाइम के साथ कंजर्व रहेगा। क्लियर।